अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा कि संविधान का मसौदा तैयार, जिसे बोलते हैं प्रारूप, ठीक है ना, करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी जी थे, वो तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने जो है ना 13 दिसंबर 1946 में जो है ना संविधान का जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव करके जो है ना नींव रखी थी। क्या रखी थी? नींव रखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो ना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में इन्हें क्या चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के क्या थे? वो अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा है कि संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर सदस्य शामिल थे, कितने? 7 थे 9 थे अगर 5 थे या कितने थे? 3 थे। देखो वैसे प्रारूप समिति की जो अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो है ना अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीम अंबेडकर थे, तो उन्हें मिलाकर जो है ना कितने थे? इसमें 7 थे। कितने थे? इसमें 7 थे। तो ऑप्शन नंबर जो है ना इसका क्या आंसर हो जाएगा? वो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, यहां पर कहा है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया। अगर मैं यहां पर बात करूं संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा, अगर मैं बात करूं तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें समय लगा। अगर मैं बात करूं इसमें कि कितना खर्च आया, तो 63,96,729,729 रुपए इसमें क्या आया? खर्चा आया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितनी समितियां हुई, तो कितनी? 9 हुई थी या 13 हुई थी बताएंगे, 9 हुई थी या 13 हुई थी। तो इसमें जो ना समितियां कितनी हुई थी? वो हुई थी 13 समितियां हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ना क्या हो जाएगा?